तुझे किथे किथे बसी आने, एक ढोला मैं तेरा, तुझे किथे किथे बसी आने। शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे पंजाबीज का वॉर्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी फेमस एंड रिनॉन्ड फैशन आइकन ऑफ आवर इंडिया, मिस्टर इमाम सिद्दीकी। यस, ही इज अ पोएट, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कास्टिंग डायरेक्टर, फोटोग्राफर एंड मच मोर। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हिम। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई और मेहमान नवाजी के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। सर कैसे हैं आप, सबसे पहले बताइए, एंड वेलकम टू लुधियाना। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में देखा जाए तो मेरा लुधियाना से ताल्लुक बहुत पहले से है, क्योंकि मेरे वाले साहब हॉकी के बहुत अहम खिलाड़ी हुआ करते थे, और उनके जितने भी मतलब हम उम्र थे, जो भी हॉकी प्लेयर्स थे, वो ज़्यादातर पंजाब के होते थे। उसमें से काफ़ी सारे लुधियाना के थे, अमृतसर के थे, बठिंडा के थे, जलंधर के थे। सो आई हैव एन इमोशनल कनेक्शन विद लुधियाना। एंड प्रोफेशनल कनेक्शन मेरा कैसे हुआ मैं बताऊँ। किसी जमाने में 1986 में जब ओसवाल मोंटे कार्लो जो ब्रांड है, निटवेयर ब्रांड, जब वो लॉन्च हुआ था, मैं उसका पहला मॉडल हुआ करता था। आई डिड द लॉन्च कैंपेन फॉर ओसवाल मोंटे कार्लो। सो आई हैव अ वेरी एंड हीरो साइकिल्स, जब उन्होंने हीरो इम्पैक्ट सुपर लाइट सिटी बाइक लॉन्च की थी, उस वक्त मैं उनकी विज्ञापन में फ़ीचर किया था एज अ मॉडल एंड अ डांसर। उसके साथ साथ BSA साइकिल्स जब लॉन्च हुई थी, बुम बुम शाकला का बुम बुम शैक एक विज्ञापन किया था हम लोग ने, जो उस ज़माने में अपने समय के लिए बहुत अवंगार्ड माना जाता था। तो दैट इज़ माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन विद लुधियाना। सर आप कितने टाइम बाद लुधियाना आए हैं? इस बार 1.5 या 2 साल बाद आया हूँ, वो भी INIFD के सौजन्य से। कैसा लगा आपको लुधियाना सिटी, आपने एक्सप्लोर किए? काश कि मेरे पास ज़्यादा वक्त होता। ऐसा होता है ना हमारे प्रोफेशन में कि हम एक दिन एक शहर, दूसरे दिन दूसरे शहर, हम लोग खाना बदोश रहते हैं। तो आई वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम इन लुधियाना। इंशाल्लाह व्हेन आई कम द नेक्स्ट टाइम आई विल स्पेंड लाइक अ हॉलिडे हियर। एंड व्हिच इज योर बर्थ प्लेस एक्चुअली? मेरी पैदाइश हुई बांसवाड़ा राजस्थान में। राजस्थान से मुंबई तक की जर्नी के बारे में प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेरे वाले साहब हॉकी के खिलाड़ी थे, तो राजस्थान में उनके लिए उतनी उपलब्धियां नहीं थी। एक बार वो बम्बई शिफ्ट कर गए, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सबको वहाँ शिफ्ट करवा दिया उन्होंने। तो आपको इस लाइन में, जैसे हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में कि आप फैशन आइकन है हमारे इंडिया के, आपका बड़ा, तो सर उस लाइन में आपकी एंट्री कैसे हुई? देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि 12 साल की उम्र में मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उस ज़माने में कैमलिन जो कंपनी है, उन्होंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ आपको एक लेख लिखना था, एक ऐसे लिखना था, एक कविता लिखनी थी, उसके साथ साथ एक पेंटिंग लिखनी थी अपने लक्ष्य के बारे में, अपनी जीवन के एम्बिशन के बारे में। तो 12 साल की उम्र में मेरा लक्ष्य था कि मैं राष्ट्रपति बनूं पूरे विश्व का, ना कि हिंदुस्तान का, राइट? सो एट 12 माय एम्बिशन वाज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये चीज़ मैंने एक कविता के माध्यम से, एक लेख के माध्यम से और एक पेंटिंग के माध्यम से की। इत्तेफाक से माशाल्लाह मुझे उसके लिए मतलब बहुत सारा प्रोत्साहन मिला, मुझे एक अवार्ड से नवाजा गया। एंड एट द टाइम हिज एक्सलेंसी द देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब एंड वी शांताराम, उन्होंने मुझे नवाजा इस चीज़ से, मुझे अवार्ड दिया।
और उस अवार्ड फंक्शन में प्रहलाद कक्कड़ साहब भी थे, मतलब इज़ अ वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर जिन्होंने ऐश्वर्या को पेप्सी के कमर्शियल में लॉन्च किया। उन्होंने मुझे वहाँ देखा, मेरे वाले साहब से बात की, बोलते ये बंदा वाकई टैलेंटेड है, इसको तो मॉडलिंग करनी चाहिए। तो 12 साल की उम्र में मैंने ब्रिटानिया के लिए, ब्रिटानिया की जो गब्बर की असली पसंद जो होती थी ब्रिटानिया ग्लूकोज बिस्किट्स, उसके लिए शुरुआत की। उसके बाद मैंने न्यूट्रेला लॉन्च किया। एक बार वहाँ से करियर की शुरुआत हो गई, फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि पहले तो मैं बच्चा था, उस वक्त मैं चाइल्ड एक्टर के नाम से जाना जाता था, चाइल्ड मॉडल के नाम से, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे काम बढ़ता गया। और मेरे उसूल के तौर पर कभी भी किसी को काम के लिए कोई मनाही नहीं की। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी ने मुझे बोला आप एक्टिंग करो, मैंने कहा हाँ, आप मॉडलिंग करो, मैंने कहा हाँ, आप डांस करो, मैंने कहा हाँ, आप कास्टिंग करो, मैंने कहा, आप प्रोडक्शन करो, मैंने कहा हाँ। और जब जी टीवी लॉन्च हुआ, मेरी आवाज से और मेरे चेहरे से लॉन्च हुआ माशाल्लाह, तो जब उन्होंने मुझे एज द फर्स्ट मेल एंकर के तौर पे मुझे हायर किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा तकिया कलाम, एक ऐसा सिग्नेचर बनाएं जो मतलब एक परंपरा कायम कर सके, तब मैंने अपने वाले साहब के साथ बैठा और मैंने कहा ये कैसे करना चाहिए आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बोला बेटा अगर कोई विदेशी हमारे देश में आता है और हिंदी भाषा बात करने लगता है तो हमें दिल को वो बात छू जाती है, तो आप अपनी ग्रीटिंग में हर मज़हब के जितने भी मज़हब हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी भाषाएं, उन सबको हलो बोलो अपने तरीके से। तो वहाँ से मैंने ये प्रथा कायम की, नमस्ते, सलाम, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु डिड इट इन 93 इन 92 व्हेन आई लॉन्च जी टीवी, थैंक्स टू करुणा समतानी एंड नीरजा शाह एंड ऑफ कोर्स मिस्टर सुभाष चंद्रा। और आज माशाल्लाह वो प्रथा ऐसी है कि बच्चन साहब भी बहुत वो हमेशा मतलब अपनी ग्रीटिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, सलमान भाई भी करते हैं, शाहरुख सर भी करते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन, यू नो। वी कैन से यू नो एवरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नो दैट्स नॉट ट्रू। काश कि मैं बंगाली बोल सकता। नमस्कार, विशेष धन्यवाद, हमें बांग्ला बोलते पारी ना, किंतु हमें चेष्टा करछी। देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, आई लव लैंग्वेजेस, मतलब मुझे दिली लगाव है भाषाओं से, संस्कृति से, सभ्यता से। तो आई स्पीक अबाउट I think 7 languages, but I need to learn more. One thing we want to ask you कि आप fashion icon जैसे हैं, तो आपको हमने जो आपके एक TV में हम आपको देखते हैं ना, आप कहते हैं कुछ weird fashion की तरफ आप ज़्यादा attract होते हैं, ऐसा कैसे? देखिए, मैं मेरा ये मानना है कि fashion और styling एक बहुत ही अविश्वसनीय और मनोरंजक तरीका है अपने व्यक्तित्व से किसी अनजान इंसान को या किसी अनजान समुदाय को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने का। और जैसे अगर आप बिग बॉस का जिक्र कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बन बना लिया था कि मैं अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि जब पहली मतलब सवेरे जब लाइट्स ऑन होती है, म्यूज़िक चलता है, तो कोई मेरी आँख में मतलब वो कीचड़ होता है जब हम लोग सोते हैं रात में, वो ना देखे, मेरे बाल बिखरे हुए ना देखे। इसीलिए मैंने वो विग्स लगाना शुरू कर दिया ताकि जैसे ही आप उठते हो आपके पास टाइम नहीं रहता बाथरूम जाके वॉश करने का, क्लीन करने का, तो विग्स पहनने से कम से कम इंसान ऐसा लगता है कि ड्रेस अप किया हुआ है। रही बात फैशन आइकन बनने की, मैं कहूंगा कि मेरा योगदान जो रहा है इस इंडस्ट्री में वो माशाल्लाह अल्लाह गिबत से बचाए, अपने आप की तारीफ करना थोड़ी अजीब बात है, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को लॉन्च किया इस इंडस्ट्री में। उदाहरण के तौर पे मनीष मल्होत्रा, जो आज के ज़माने में बॉलीवुड और फैशन के किंग माने जाते हैं, किसी ज़माने में उन्होंने मुझे अप्रोच किया था एज अ मॉडल, एज एन एस्पायरिंग मॉडल। तो मेरे जो गुरु हैं कवलजीत सिंह, हम दोनों ने मिलकर उनको उनका पहला करियर अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद मैंने उनको हेमंत त्रिवेदी साहब से शीतल डिज़ाइन स्टूडियो में मुलाजमत दिलवाई एज एन असिस्टेंट, एज एन इंटर्न। तो जो काम मैंने किया है उसकी बदौलत मुझे ये खिताब दिया गया है, ना कि मेरे अजीब व गरीब तरीके से। जैसे और जो बिग बॉस में आपने मुझे देखा, मैं देखिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे बॉलीवुड एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है, बिल्कुल उसी तरीके से रियलिटी टीवी इज़ अ न्यू ट्रेडिशन, इज़ अ न्यू जॉनर। आई एज एन एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल वॉज देयर टू डू माई जॉब। मैं वहाँ गया तारीफ़ें बटोरने के लिए नहीं, मैं वहाँ गया अपना काम करने के लिए एज अ प्रोफेशनल टू एंटरटेन द ऑडियंस। चाहे मैं आपको हंसाऊं, आपको रुलाऊं, लेकिन एंटरटेन मैंने मतलब दिल खोल के किया, और इसी वजह से शायद आप इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। सर, बहुत डिफरेंट शेड्स आपके देखने को मिले थे। अच्छा, एक चीज़ हम जैसे हम कहते हैं कि नहीं, हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें हम ना राखी सावंत को कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन। नहीं, मैं मानता हूँ कि देखिए मैं मानता हूँ कि राखी सावंत एक ऐसी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अगर 10 लाख राखी सावंत, सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, कि जैसे मैं हमने बताया कि राखी सावंत को हम कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन, आपका नाम उसमें ऐड ऑन होता है कॉन्ट्रोवर्शियल किंग के नाम से। अच्छा, मैं इसकी वजह बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा इंसान हूँ। मेरे पास मतलब झूठ बोलने का वक्त नहीं है, मिन्नी मिन्नी जाने का वक्त नहीं है। जो मेरे मन में आता है और मेरा दिल साफ़ है, मेरा ईमान है,
तो भगवान को साक्षी रखते हुए मैं हर चीज़ बोलते जाता हूँ लोगों को, अगर पसंद आती है तो अच्छी बात, नहीं पसंद आती है तो कम से कम मैं सुकून से तो सो सकता हूँ, आप समझ रहे हो। तो मेरे लिए मेरा सुकून ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि किसी को साबित करना कि भाई मैं कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हूँ। अगर मेरे कुछ बोलने से कॉन्ट्रोवर्सी बनती है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। जी जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लास्ट में हम चाहते हैं आप लुधियाना आए स्पेशली, तो क्या एक अपीलिंग मैसेज है, क्या एक मोटिवेशनल मैसेज आप यहाँ के यूथ को देना चाहेंगे रिलेटेड टू फैशन या रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स एनीथिंग? अच्छा देखिए, ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है ख़ास करके टेक्सटाइल्स में, क्योंकि लुधियाना टेक्सटाइल्स में माना जाता है, इट्स द फैशन कैपिटल ऑफ द होजरी इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में और कोई जगह नहीं है जो इतनी मतलब पॉपुलर है इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के साथ। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि एक नए फैब्रिक का निर्माण हुआ है, और ये हुआ है ड्यूपॉन्ट, जिस कंपनी ने लाइक्रा लॉन्च किया था, उन्होंने एक नए फैब्रिक का लॉन्च किया है जिसे कहते हैं टीवेक, TYVEK। तो मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वो ड्यूपॉन्ट के बारे में और ख़ास करके इस नए फैब्रिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता हमारा लिबास बदलने वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो लाइक लाइक्रा केम एंड चेंज द वे वेमेन ड्रेस, एग्जैक्टली लाइक दैट टिवेक, दिस न्यू प्रोडक्ट दैट इज लॉन्च बाई ड्यूपॉन्ट इज गोन चेंज नॉट ओनली द वे वी ड्रेस बट ऑल्सो आर लाइफ स्टाइल, बिकॉज इट्स वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स विच इज जेनरेटेड डिजिटली, ओके, एंड इट कम्बाइंस पेपर, फिल्म एंड फैब्रिक, ये तीन वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि दिस इज़ कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल, तो इससे पोल्यूशन होने की कोई गुंजाइश नहीं। जी सर, एट लास्ट वी वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर मेन पर्पस टू कम हियर एट NIFT सेंटर इन लुधियाना? जी जी, माय मेन पर्पस ऑफ कमिंग हियर वाज टू गिव ऑल दीज स्टूडेंट्स अ लोन एंड इन एक्सचेंज टेक बैक द EMI, जैसे बैंक वाले लेते हैं, ई से एजुकेशन, एम से मोटिवेशन और आई से इंस्पिरेशन। तो यहाँ के स्टूडेंट्स से, यहाँ के जो ऑनर हैं, कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मुझे बार बार बुलाया जाता है टू कंडक्ट दीज सेमिनार्स, और इसका श्रेय जाता है दो लोगों को, मोना मैम को, मोना लाल जी को, और अरविंद सर को। मेरा ये मानना है कि उनका एक मार्गदर्शन है, दे हैव अ विजन नॉट जस्ट फॉर INIFD बट फॉर लुधियाना एज अ स्मार्ट सिटी, फॉर पंजाब एज अ स्टेट, फॉर इंडिया एज अ कंट्री। और मेरे ख्याल से हमारे देश में ज़्यादा मोना लाल्स की और अरविंद गुप्तास की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनका लक्ष्य है वो काबिले तारीफ है। लास्ट में कुछ स्वीट सा मैसेज स्पेशली यहाँ के लुधियानवीज के लिए? डेफिनेटली, वाओ, दैट्स ग्रेट सर, श्योर। तागे दिया गड्डियां ने, तागे दिया गड्डियां ने, एक ढोला मैं तेरा, दूजे किथे किथे वसियां ने। ये मैंने एक फिल्म की है जिसका रिलीज़ हुआ नहीं, तो शायद प्रोड्यूसर मेरा गला काट देवे कि आपने जाके हमारा गाना गा दिया। दिस इज़ अ न्यू फिल्म दैट आई हैव डन, इट्स अ सीरीज दैट्स गोना बी ऑन नेटफ्लिक्स सून, सो आई प्लेड अ पंजाबी लॉयर इन दैट फिल्म। तो अगर आप इच्छुक हो बॉलीवुड में एंटर करने के लिए, चाहे आप डांसर हो, एक्टर हो, मॉडल हो, जब मैं टैलेंट का जिक्र करता हूँ आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पीपल ऑन कैमरा, आई एम टॉकिंग पेरिफेरल्स एज वेल, राइटर्स, डांस कोरियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, लिरिसिस्ट, एडिटर्स। बॉलीवुड को नए DNA की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक उन्होंने कपूर, खन्ना, कुमार और खान मतलब एक गढ़ बना के बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ गढ़ को थोड़ा सा हिलाया जाए नए टैलेंट। आपका नंबर नेट पे प्रोवाइड है? मेरा नंबर अगर आप गूगल करें तो इंशाल्लाह मिल सकता है आपको। जी तो आपने देखा कि उन्होंने एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज दिया कि कोई भी जो इंटरेस्टेड है बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए, बीइंग एज अ एक्टर, प्रोड्यूसर, एनीथिंग, तो उन्होंने अपना नंबर भी फॉरवर्ड किया है। होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलकर, और हमने भी शेयर किया उनसे कुछ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।